नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित गौतम, स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि का जो भेद है, जिसका नाम है पूर्व सवर्ण संधि, उसके विषय में। तो चलिए, बिना समय गवाए आज हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की, जो है पूर्व सवर्ण संधि। कौन सी संधि है? पूर्व सवर्ण संधि। देखिए, पूर्व सवर्ण संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है, वो सूत्र है दोस्तों, वो सूत्र होगा झयो हो अन्यत्र श्याम, हो अन्यत्र श्याम। ये है पूर्व सवर्ण संधि कार्य करने वाला सूत्र। पूर्व सवर्ण संधि कार्य करने वाला सूत्र क्या है? झयो हो अन्यत्र श्याम, झयो हो अन्यत्र श्याम। ध्यान से देखिए, इस सूत्र की यदि हम बात करें तो इस सूत्र का अभिप्राय क्या होगा? यहां पर एक शब्द है अन्यत्र श्याम। याद रखें दोस्तों, हम काफी बार बहुत से सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। यदि कहीं पर वा विभाषा या अन्यत्र, इन तीन शब्दों का जहां भी प्रयोग होता है, इन तीनों ही शब्दों का अर्थ हम क्या लेंगे? वैकल्पिक। इन तीनों का ही अर्थ क्या होगा? वैकल्पिक। क्या होगा दोस्तों? वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक कहें या हम कहें ऐच्छिक, वैकल्पिक का यहां तात्पर्य किससे है? विकल्प से। किससे है? विकल्प से। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी कोई सूत्र आता है और उस सूत्र के अंदर ये तीन शब्दों का प्रयोग हो, कहीं भी वा, विभाषा या अन्यत्र, इन तीनों का ही अर्थ हम क्या लेते हैं? वैकल्पिक से लेते हैं। किससे लेते हैं? वैकल्पिक से, या हम कहें ऐच्छिक। और वैकल्पिक का अर्थ यहां पे होता है विकल्प से। क्लियर। चलिए, अब हम चलते हैं इस सूत्र की वृत्ति के ऊपर, कि इस सूत्र की वृत्ति क्या होगी। सूत्र हमने देखा झयो हो अन्यत्र श्याम। इस सूत्र की वृत्ति होगी झय है परस्य हस्य। पूर्व सवर्णौ वा शा। ये है इस सूत्र की वृत्ति। क्या है? जय है परस्य हर्ष पूर्व सवर्णौ वा शा। इसका तात्पर्य क्या होगा, इस पर हम आते हैं। तो जय है, यदि मैं कहूं कि झय वर्ण के बाद क्या हो? हर्ष मतलब है हो। झय वर्ण के बाद है हो, तो है का क्या हो जाता है? पूर्व सवर्णो, मतलब इस है का क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण हो जाता है। यही क्या है? हमारी संधि है। समझ में आया? देखिए, झय है परस्य मतलब झय वर्ण के बाद में क्या हो? हस्य मतलब है हो। तो हस्य है का पूर्व सवर्ण वाशा हो जाता है। वा मतलब वा से यहां तात्पर्य मैंने अभी अभी बताया आपको, वा से यहां तात्पर्य किससे है? विकल्प से। अभी मैंने कहा यदि कहीं पर वा, विभाषा या अन्यत्र शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाता है, उन तीनों का ही अर्थ हम किससे लेते हैं? वैकल्पिक या ऐच्छिक से लेते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ ऐच्छिक से तात्पर्य हम क्या लेते हैं? वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप चाहें तो वहां पूर्व सवर्ण संधि कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो नहीं कर सकते। और इसके अभाव में यहाँ जो दूसरी संधि होती है, जो जसत्व संधि होगी, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि झय परस्य हस्य पूर्व सवर्णौ वा शात,
कि जय वर्ण के बाद है का पूर्व स्वर हो जाता है और कब हो जाता है वा से यहां तात्पर्य विकल्प से, तो कैसे हो जाएगा विकल्प से क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व स्वर हो जाता है। ये हो गई हमारी संधि। चलिए मान लो ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा तो इसे दूसरे तरीके से देखें कि हम बात करें कि ये झय वर्ण क्या है। तो झय वर्ण क्या है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का, वर्ग कैवर्ग चैवर्ग पैवर्ग तावर्ग और पैवर्ग, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और इसके बाद में क्या हो है हो, इसके बाद क्या हो है हो, तो इस है को हम क्या कर देते हैं पूर्व स्वर कर देते हैं, क्या कर देते हैं पूर्व स्वर कर देंगे और कैसे कर देंगे विकल्प से, कैसे कर देंगे विकल्प से। ऐसे समझ में आ गया, समझ रहे हैं। मैंने कहा झय वर्ण के बाद है हो तो है का पूर्व स्वर हो जाता है। यदि यहां हम देखें कि झय से क्या तात्पर्य है तो झय एक प्रत्याहार होता है और झय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं, हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो झय प्रत्याहार के वर्ण माने जाते हैं। ये हमने इस संधि को समझने का प्रयास किया। अब हमारे सामने एक बात आ रही है कि ये पूर्व स्वर है क्या चीज, ये पूर्व स्वर हो जाता है लेकिन क्या हो जाता है, तो इसके लिए देखिए मैं लिखता हूं कि इसको हम इस तरीके से समझें, है को पूर्व स्वर हो जाता है को पूर्व स्वर हो जाता है अर्थात है को अगले सॉरी है को पूर्व वाले वर्ण के वर्ग का क्या हो जाता है चतुर्थ वर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ये लो पूर्व स्वर का तात्पर्य यहां क्या है, पूर्व स्वर का तात्पर्य यहां पर होगा कि पहले वाला जो वर्ण है उस वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, किसकी जगह हो जाता है इस है की जगह हो जाता है। एक हमने पढ़ा था परस्वर्ण संधि और ये पढ़ रहे हैं पूर्व स्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि जो पर वर्ण है जो दूसरा वाला उसके अगला जो वर्ण है उसका क्या कर देते हैं हम परस्वर्ण कर देते हैं। यहां पर हम पढ़ रहे हैं पूर्व स्वर्ण मतलब पहले वाला जो वर्ण है उसके वर्ग का हम क्या कर देंगे चतुर्थ वर्ण कर देते हैं। चलिए आपको समझ में नहीं आया मुझे पता है, इसी को हम ये कहें कि झय वर्ण हो मतलब वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण हो और इसके बाद में यदि है वर्ण है, इसके बाद में क्या है वर्ण है, तो इस है को हम क्या कर देंगे पूर्व स्वर कर देंगे, मतलब ये जो पहले वाला वर्ण है इस पहले वाले वर्ण को हम क्या कर देंगे चतुर्थ वर्ण हो जाता है, क्या हो जाएगा इसका चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। क्लियर। और यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर जसत्व हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर जसत्व हो जाता है, क्या हो जाता है जसत्व हो जाता है जसत्व कार्य, या हम कहें जसवर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है जसवर्ण हो जाता है। मुझे पता है अभी भी आपको समझ में नहीं आया, चलो दूसरे तरीके से फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो इधर है कै खै
गे घे चे छे जे झे ते थे ने धे ते थे दे और धे। और हम कहें पे फे बे और भे। क्लियर। हर वर्ग का हमने क्या ले लिया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण यहां पर ले लिया। अब देखिए, अब इनके बाद में यदि क्या हो, है वर्ण आता है। इनके बाद में क्या है वर्ण आए। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि कह खे गे घे चे छे जे झे, मतलब इन वर्णों के बाद में यदि है वर्ण आता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस है को हम क्या कर देंगे, इस है को हम क्या कर देंगे, पहले वाले वर्ण के चतुर्थ वर्ण में बदल देंगे। मतलब इसका क्या हो जाएगा, घे इसमें क्या हो जाएगा, झे इसमें, ढे इसमें, धे और इसका भे। समझ में आया दोस्तों? कै खे गे घे के बाद में यदि आपको है वर्ण मिलता है, इनमें से कोई भी वर्ण हो उसके बाद में यदि आपको है मिल जाता है, तो इस है का हम पहले वाले वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण कर देते हैं। मतलब क्या कर देंगे, घे कर देंगे, क्या कर देंगे, घे कर देंगे। या इसे आप इस तरीके से समझ लें, इस तरीके से समझ लें कि इनमें से कोई भी वर्ण हो और उसके आगे आगे है रहने पर इसके आगे भी है रहने पर टैट है, इनके बाद यदि है वर्ण है, इनके बाद भी यदि है वर्ण है, इनके बाद भी यदि है वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस है का किसको चेंज कर देंगे, किस में बदल देंगे, घे में बदल देंगे। यहां पर है को हम किस में बदल देंगे, झे में बदल देंगे। यहां पर है को हम किस में बदल देंगे, ढे में बदल देंगे। यहां पर है को हम किस में बदल देंगे, ढे में। और यहां पर है को हम किस में बदल देंगे, इसमें बदल देंगे भय में। ये लो, ये पूरा तरीका आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। यदि इनमें से कोई भी वर्ण हो और उसके बाद यदि है वर्ण आ जाता है, तो हम इस है को किस में बदल देंगे, घे में बदल देंगे। यहां पर इनके बाद कोई है वर्ण आ जाता है, तो इस है को हम किस में बदल देंगे, झे में। इनके बाद है वर्ण आ जाता है, तो है को चतुर्थ वर्ण क्या होता है, ढे में बदल देंगे। यदि इनके बाद कोई है वर्ण आ जाता है, तो है का ढे हो जाएगा और यहां पर है का भे हो जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहीं से हम लें पहला एग्जाम्पल। यदि हम बात करूं तो एक एग्जाम्पल है वाक धन हरि। देखिए ये लो एग्जाम्पल, वाक धन हरि। ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना दोस्तों इस एग्जाम्पल को। हम नियम पर चलते हैं। नियम हमने क्या लिखा कि यदि कह, ये आ गया कह, ठीक है। इस कह के बाद में यदि है आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम यहां क्या करेंगे, जसत्व कार्य करेंगे, क्योंकि हमने एक संधि पढ़ी है जसत्व संधि, और उस संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और उसके बाद में कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यह वे है में से कोई वर्ण आ जाता है, तो इस वर्ग का हम क्या कर देंगे, इसको इसके तीसरा वर्ण कर देंगे। इसके वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, वाक धन हरि। यहां तो हमने क्या कर दिया, जसत्व कर दिया।
क्या कर दिया, जसत्वकारी किया। क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था कि झय वर्ण के बाद में यदि क्या हो तो झय वर्ण को तो हम जसत्व कर देंगे और है का हम क्या कर देंगे, इसके वर्ग का चतुर्थ वर्ण कर देंगे। तो यहां कह के बाद में ये आ रहा है, तो यहाँ कह का तीसरा वर्ण हमने क्या कर दिया, गय और वाग धन हरि ही, ये यहाँ पे हमने क्या किया, जसत्व कार्य कर दिया। इसके बाद देखिए गय आ रहा है, ये आ गया गय, ये आ गया गय, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है वर्ण आ रहा है वर्ण आ रहा है। गय के बाद में है वर्ण आ रहा है, तो हम इस है को किसमें बदल देंगे, घ में, किसमें बदल देंगे, घ में। तो इसका क्या हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण क्या कर देंगे, सॉरी इस है का चतुर्थ वर्ण, इसके इस वाले वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण है का क्या हो जाएगा, घ, ये लो घ, ठीक है। आगे है, यहां पर हमने क्या किया, पूर्व श्रवण किया, यहां पर हमने क्या किया, पूर्व श्रवण किया, ठीक है। अब देखिए इसको आप मिलाएंगे तो वाग हरि, एक तो ये पद बनेगा वाग हरि, और दूसरा आप बनाएंगे वाग घरि, वाग घरि। ये दो पद यहां पर संधि युक्त पद बनते हैं। यदि बात करें कि कौन सा सही है तो ये दोनों ही सही माने जाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि यहां विकल्प से हम पूर्व श्रवण करेंगे। आपकी इच्छा है तो आप दोनों कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप सिर्फ इसको भी कर सकते हैं। मान लो एग्जाम में यदि ये आ जाता है वाक हरी, तो यहां हमें कौन सी संधि करनी होगी, वहां कौन सी संधि होगी, जसत्व संधि, ये आ जाता है तो यहां आपको पूर्व स्मरण करना होगा, ठीक है। चलिए हम और एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल की हम बात करें, तो देखिए उत्तधन हारह है, ठीक है। यहां पर देखिए तय आ रहा है और तय के बाद में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो हम यहां पर जसत्व कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, उद्धन हारे, उद्धन हारे। यहां तो हमने क्या किया, जसत्व कार्य कर दिया, ठीक है। अब देखिए दे आ रहा है, ये रहा दे, इनके बाद में यदि कोई भी है वर्ण हो, ये आ गया है वर्ण, तो हम इस है का क्या कर देंगे, इस है का सॉरी इस है को हम यहां क्या कर देंगे, धे। तो ये हो गया धारह, क्या हो गया, इस है का हमने इस वाले वर्ण के पहला वर्ण, इसके पहले वाला वर्ण जो है उसका चतुर्थ वर्ण कर देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, इस है का हम इस वाले वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण कर देते हैं, तो चतुर्थ वर्ण क्या हो जाएगा, धे। तो ये क्या, यहां हमने क्या किया, पूर्व श्रवण कर दिया, क्या किया, पूर्व श्रवण। अब देखिए एक शब्द तो यहां बनता है उद्धारह, उद्धारह, और एक यहां पर क्या बनेगा, उद्धारह, क्या बनेगा, उद्धारह। ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या है, देखिए एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। यदि मान लो आपको एग्जाम में ये शब्द दिया हुआ है कि उद्धारह शब्द में यहां कौन सी संधि होगी, तो आपको संधि बतानी है पूर्व श्रवण संधि, कौन सी संधि, पूर्व श्रवण संधि। यदि ये शब्द आ जाता है उद्धन आहार है, अब मैंने एक आपको एक चीज और बताई, मान लो उद्धार शब्द आ जाता है और आपको पूछ ले कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और वहां पर यदि आपको ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं,
तो याद रखना दोस्तों, ये वाला गलत माना जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी आपको कहा था, जो अंतिम जो संधि विच्छेद हो जाता है वही क्या माना जाता है सही। तो आपको यदि उद्धारक शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे आप? उद्धरण हारे हैं। क्या करेंगे? उद्धरण हारे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल और ले रहे हैं, देखिए। तत्धन हितम, ठीक है। तय है, तय के बाद में है, सबसे पहले यहां दसत्व कार्य है, तो तय का तीसरा वर्ण क्या हो जाता है? दे, और ये बन जाएगा तद्धन हितम। यहां हमने क्या किया? दसत्व कार्य क्या किया दोस्तों? दसत्व कार्य किया। और इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे हम क्या करेंगे? देखिए, दे के बाद क्या आ रहा है? दे आ रहा है, और दे कहाँ है? ये रहा दे। और इसके बाद क्या आ रहा है? वर्ण आ रहा है। तो हम इस है को किस में बदल देंगे? यहां धे में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? तो ये क्या हो जाएगा? धितम। क्या हो जाएगा? यहां हमने क्या किया? पूर्व सवर्ण किया। क्या किया दोस्तों? पूर्व स्मरण किया। यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, एक तो बन रहा है तद हितम, ठीक है, और दूसरा संधियुक्त पद क्या बनेगा? तद्धितम। क्या बनेगा? तद्धितम, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल और लें, देखिए। अच धन रहस्व, ठीक है। चय आ रहा है, और चय के बाद में क्या आ रहा है? यह वाला है तीसरा वर्ण, इसका क्या हो जाएगा? अज धन रहस्व। यहां तो हमने क्या कर दिया? जसत्व कार्य किया। क्या किया? जसत्व कार्य किया। और यहां जय आ रहा है, ये रहा जय, और जय के बाद में है आ रहा है वर्ण है, तो इस है को हम किसमें बदल देंगे? झय में। किसमें बदल देंगे? झय में। तो ये हो जाएगा झ्रस्वम। यहां हमने क्या किया? पूर्व श्रवण किया। क्या किया दोस्तों? पूर्व श्रवण किया। तो एक पद तो ये बनेगा अझर्स्वम, एक तो ये बना, और एक पद बन जाएगा अजहर्स्वम। ये दोनों ही क्या माने जाएंगे? सही माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की है पूर्व श्रवण संधि के विषय में, जो व्यंजन संधि का ही एक प्रमुख भेद माना जाता है। दोस्तों, आपको ये संधि समझ में आई होगी। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जिसका अभ्यास आपको करना है। और यदि इससे संबंधित कोई समस्या आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनका समाधान हम अगली क्लास में कर देते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे तत्धन हानि, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बात करें ककुब धन हस्ति ही, ठीक है। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं कि उद धन या मैं कहूं अच धन हीनम। ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों ही एग्जाम्पल का आपको अभ्यास करना है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनका समाधान हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये संधि अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। फिर भी इससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनका समाधान हम अगली क्लास में यहां पर करेंगे। दोस्तों, जय श्री श्याम।